सलामुअलैकुम भट साहब, आपको रशिया कैसा लगा? का कवाम रशिया 15 मिनट सर। वालेकुम अस्सलाम जी, रशिया मुझे बहुत अच्छा लगा। और रशिया इमो कोच 15 मिनट से। और यहाँ पर जो रशिया के लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। रूस की लूदी ओच न खरोशे लूदी। और यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है जो कि पाकिस्तानियों को चाहिए यहाँ पर आके करें। रशिया ओच न मनोगा खरोशे वरियान दिला बिजनेस उन कुछ तो भी लूदी सुधा प्रेखर इज एनिमल से बिजनेस। और मैंने आधी दुनिया घूमी हुई है और मुझे रशिया आके मॉस्को में आके बहुत अच्छा फील हुआ। उन पश्ती पोल मेरा वीजल ये गुलेर नो इमो बोल से 15 वीं सर रशिया मॉस्को। और रशियन गवर्नमेंट भी जो है पाकिस्तानियों की बहुत कदर करते हैं ये लोग। रसस की गजदार सुबह ओचन खरोशे и очень уважает, которые люди туда приезжают, гости, и тут как туристы, либо занимаются бизнесом, либо просто на стороне люди, они очень любят. Российское государство очень хорошее. То мне, что есть, Россия бывает забордос лага, и мы пакистанию ко бы чатаем, что они люди здесь приезжают, и бизнес приезжают. Им очень понравилась Россия, он хочет приглашать в Asian люди, и пакистанки, и индийские все, чтобы сюда приезжали и занимались бизнесом. Тут очень хороший вариант, очень много вариантов, и тут очень добрые, очень хорошие люди. और डॉगर भाई के चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पीके रशिया। подписайтесь на мой YouTube канал и смотрите дальше иду ищу видео, которые вам будут очень понравиться, и вы будете знать больше, больше, ну, об России. Я люблю Россия. अच्छा भट साहब, अच्छा ये भी बता दें पाकिस्तानी भाइयों को कि आप आए हैं एयरपोर्ट पे, आपके साथ कोई वहाँ प्रॉब्लम हुई है, कोई आपको तंग किया है, कोई ऐसा मसला कोई बताएं तो साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सुना कि कह रहे हैं एयरपोर्ट बहुत मुश्किल है, बहुत लोगों को वापस भेजने हैं, ये सारा थोड़ा कुछ समझा दें। डोगर भाई, मैं जैसे ही कल सुबह एयरपोर्ट पर पहुँचा तो मैंने सुना था कि जी ये एंट्री नहीं दे रहे, लोगों को डिपोर्ट कर देते हैं और बहुत कुछ, बहुत सारी मैंने बातें सुनी थी जो कि मैंने खुद फिजिकली, मेरे 3 दिन रह गए थे वीज़ा एक्सपायर होने में। और मैं सुबह जैसे ही आया हूँ एयरपोर्ट पे, मुझे उन्होंने लीगल जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स से पूछे और मेरे 3 दिन के बदले मुझे उन्होंने 3 दिन की एंट्री ली मेरे वीज़े पर। और यहाँ पर कोई भी बंदा आए और वो इनलीगल ना एक्टिविटीज़ करे और ना अपने वीज़े से आगे मतलब हो जाए, अपने वीज़े से पहले ही चला। इनका कहने का मतलब है कि ये आए, इनका सिर्फ 3 दिन का वीज़ा वैलिड था तो इनको एंट्री मिल गई है, 3 दिन का वीज़ा वैलिड था, एंट्री मिल गई है। कल आए हैं, आज रात को सुबह मॉर्निंग टाइम ये वापसी की फ्लाइट लेके जा रहे हैं, क्या है कि इसमें पाकिस्तान की इमेज भी अच्छी होगी और आप रशियन भी कानून ही तोड़ेंगे, इनके कानून के मुताबिक आप यहाँ रहें, आएँ, काम करें। रशिया, ये सब आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रशिया बहुत ठीक है, नहीं, रशिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री एंड मोस्ट इजी। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि जो यहाँ की गवर्नमेंट जो इमिग्रेशन है वो बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे बोला जाता है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सिर्फ इंसान खुद अपनी चीज़ें कम्प्लीट करते हैं। इमो ओचन पता है एमिग्रेसिया вот они очень уважали ему, спокойно с ним поговорили и спросили документы, все, ему очень понравилась российская эмиграция, и он очень сильно уважает, и он за это любит Россию, и он хочет еще раз приехать сюда и заниматься бизнесом, и еще посмотреть Россию. Ахри, лафаз, последние слова для России. Я люблю Россию, I love Russia. Спасибо.